Hello aspirants, this is Yash and welcome back to SSCT Point. So what we have to do in today's session, our today's agenda is to learn about the past form of a will, that is would. As we completed will in the last session, so as I promised you that we have to learn about the past form of a will, that is would. So in today's session, we are going to learn about would. So without wasting any time, let us start guys. So would kya hota hai? Would, pehle definition dekh lete hai. First of all, let me choose the color. Yahan pe dark बैकग्राउंड है तो वुड व्हाइट वुड बी सूटेबल. मैं कह रहा हूँ वुड बी सूटेबल. ठीक है, तो वुड क्या होता है? मॉडल वुड इज यूज्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ये शैल का क्या होता है, पास्ट फॉर्म शुड होता है, ऐसी विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है. एंड इट्स यूज्ड विद ऑल पर्सन, सभी पर्सन के साथ यूज होगा. ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना. मॉडल वर्ब जो होती है सभी पर्सन के साथ यूज हो गई है. इट रिमेन्स द सेम फॉर्म इन बोथ द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. मतलब कभी कभार क्या होता है, देखो वुड क्या है, पास्ट फॉर्म है विल का, है ना. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वुड है वो केवल फ्यूचर में यूज होगा या पास्ट में यूज होगा. वुड जो है फ्यूचर भी बताता है कभी कभी, कभी कभी प्रेजेंट भी बताता है, पास्ट भी बताता है. एंड कैसे बताता है, वी आर गोइंग टू सी, है ना. तो अब यूजेस की बात करेंगे. पहला यूज क्या कहता है, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस. डिटर्मिनेशन क्या होता है, मतलब दृढ़ता, संकल्प, है ना. और विलिंगनेस क्या होता है, इच्छा. तो मैंने आपको बताया था, वी कैन ऑल्सो यूज विल टू इंडिकेट विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन. द सेम इज विद वुड. कुछ कॉमन यूजेस होते हैं, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स अर्लियर, कि भाई वी कैन यूज मॉडल वर्ब्स. मतलब उनका जो कॉमन कॉमननेस होती है वो होती है कि भाई कॉमन कॉमन यूजेस हैं सबके, सभी मॉडल वर्ब्स के. तो वही है जो जैसे विल यूज होता है डिटर्मिनेशन शो करने के लिए और विलिंगनेस शो करने के लिए, ऐसे ही वुड भी यूज होगा. जैसे आई वुड चूज माय ओन पाथ और वे, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा. बोलते हैं इस तरीके से, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा. तो इंस्टेड ऑफ वुड विल भी लगा सकते हो, वुड भी सही है. ही वुड रेज हिज वॉइस अगेंस्ट मॉब लिंचिंग, इसका मतलब क्या हो गया. मॉब लिंचिंग क्या होता है बताइए, मॉब लिंचिंग क्या होता है, इफ यू नो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. He would raise his voice against mob lynching. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो mob lynching के खिलाफ जो कि क्राइम है वो क्या उठाएगा, वो खिलाफ उसके आवाज उठाएगा. तो there's a way by which you can use would. I hope आपको पहला यूज समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं. बहुत सिंपल सिंपल है. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस गेस और प्रोबेबिलिटी. गेस क्या होता है, what do you mean by guess? Guess होता है अनुमान लगाना, अनुमान. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभवता. तो कभी कभार क्या होता है, वुड का यूज कर लेते हैं. जैसे जब कभी आप अनुमान लगाते हो तो आप कुछ वर्ब्स का यूज करते हो, जैसे आई सपोज, आई अज्यूम, आई प्रेज्यूम, है ना. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज वर्ब्स यू कैन ऑल्सो यूज वुड. वुड का भी यूज कर सकते हो, लाइक यू वुड बी सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको है ना कभी कभार क्या होता है, मॉडल वर्ब को समझना पड़ता है कि वहां पे उसका कौन सा यूज काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे वुड के बारे में हमने जैसे अभी पढ़ा था कि डिटर्मिनेशन शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई तुम जो है क्या बनोगे, ये संकल्प लेते हो, मतलब तुम एक संकल्प लोगे या तुम्हारी इच्छा है कि तुम एक सेक्रेटरी बनोगे सिविल एविएशन के. ठीक है, तो वहां पे डिटर्मिनेशन भी शो हो सकता है, जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया, है ना, कि डिटर्मिनेशन भी शो करता है. और अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात नहीं है, तो आपको है ना अपने आप ही है ना ये पता, आपकी हैबिट बन जाएगी ये समझने की कि वहां पे जो मॉडल वर्ब है वो कौन सा यूज समझा रहा है. तो यहाँ पे वो संकल्प वाली बात नहीं है, डिटर्मिनेशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, गेस वाली बात है, गेस वाली बात है. तो ये है ना पैराग्राफ से, ये ऐसे से उनकी थीम, सेंट्रल आइडिया अगर आपको पता लग जाएगा तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो यूज है मॉडल वर्ब का वो कौन सा वाला है. जैसे यहाँ पे वुड वाला यूज जो है वो डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, विलिंगनेस शो कर रहा है, नहीं यहाँ पे क्या शो कर रहा है, गेस. कैसे गेस शो कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तुम जरूर या तुम सिविल एविएशन के सेक्रेटरी रहे होंगे या हो, इस तरीके से बोलते हैं, तुम जरूर ये हो, तुम जरूर वो हो, इस तरीके से बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं, गेस लगाते हैं. एक्चुअली में वी डू नॉट एक्चुअली नो कि भाई हो क्या रहा है, वी आर जस्ट assuming, assumption लगाते हैं, तो वुड का यूज करते हैं. एक और एग्जाम्पल से पक्का समझ में आ जाएगा. ही वुड बी योर फादर. ठीक है, सपोज करो कि एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है वो मेरे से मिलने आया है और उसके पीछे पीछे एक अंकल आ रहे हैं. ठीक है, एंड उसके अंकल मेरे को लग रहा है, मतलब वो जो पीछे आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता इनके मेरे दोस्त के रिलेशन में क्या है, बट मैं एक assumption लगा रहा हूँ कि भाई हल्की हल्की शक्ल मिल रही है दोनों की, तो मैं अपने दोस्त का कह रहा हूँ, मेरा दोस्त पूछ रहा है कि बताओ मेरे पीछे कौन आ रहा है, तो मैं assumption लगा रहा हूँ कि तुम्हारे पापा हो सकते हैं या ये तुम्हारे पापा होंगे, इस तरीके से मैं बस assumption लगा रहा हूँ. एक्चुअली आई डू नॉट एक्चुअली नो, है ना, मुझे नहीं पता है, बट ये जो अनुमान लगा रहा हूँ यही होता है क्या, अनुमान लगाना, गैस लगाना. तो इसके लिए आप वुड का यूज यहाँ पे होगा.
ही वुड बी योर फादर। तो समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस की वहां पे कौन सा यूज है पर्टिकुलर मॉडल वर्ब का, है ना। तो समवन प्रेज्यूम्स दैट ही वाज योर फादर, किसी ने प्रेज्यूम किया कि वो तुम्हारे फादर थे, बट एक्चुअली ही डिड नॉट नो एक्चुअली, है ना, उसे नहीं पता था। जैसे मैंने कि बोला कि भाई तुम्हारे पापा जैसे लग रहे हैं, मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हारे पापा होंगे, बट हो सकता है कि अंकल हो, चाचा हो, है ना। तो इस तरीके से आप वर्ड का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ यूज टू इंडिकेट दैट द एक्शन अकर्ड इन द पास्ट ओकेजनली और रेगुलरली, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यूज टू का मतलब क्या होता है, यूज टू भी एक तरह की मॉडल वर्ब होती है विद अ प्रीपोजिशन टू, ठीक है। मॉडल वर्ब ये क्या काम करती है, पास्ट की जो हैबिट होती है उसको शो करेगी, उसको इंडिकेट करेगी जो हम पास्ट में किया करते थे, तो उसको शो करने के लिए एक फ्रेज यूज होता है यूज टू, तो उसकी जगह वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम बोलूं कि भाई मैं पहले बहुत पढ़ा करता था, तो आई यूज टू स्टडी, तो यहाँ पे पास्ट की हैबिट बता रहा हूँ, मैं पास्ट की हैबिट बता रहा हूँ, तो यूज टू यूज होगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूज टू, ठीक है, आप किसका यूज कर सकते हो, वुड का यूज कर सकते हो। लाइक ओवर हियर आई वुड रीड लव स्टोरी, अच्छा ठीक है मुझे लगा है दो बाब है, नहीं, ये लव स्टोरीज क्या एक तरह का कंपाउंड नाउन हो गया है ना। आई वुड रीड लव स्टोरीज इन चाइल्डहुड डेज, इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई मैं चाइल्डहुड डेज में, जब मैं बचपन के मेरे दिन थे, तब मैं क्या किया करता था, मैं पढ़ा करता था, क्या पढ़ा करता था, मैं लव स्टोरीज पढ़ा करता था, मैं नहीं पढ़ा करता था, बस सेंटेंसेस में है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड तो आप यूज टू भी लिख सकते हो, आई यूज टू रीड लव स्टोरीज इन चाइल्डहुड डेज, तो वही मतलब हो गया कि भाई मैं बचपन के दिनों में लव स्टोरीज पढ़ा करता था, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद है शी वुड लाइक हर टीचर ऑफ इंग्लिश, शी वुड लाइक हर टीचर ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई वो अपने टीचर जो इंग्लिश के टीचर थे उसे पसंद किया करती थी, ठीक है, इंग्लिश के टीचर थे उसको पसंद किया करती थी। बट आई वुड हैव ब्लू आईज, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप अपना पोजिशन वुड के साथ नहीं बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई मेरे पास ब्लू आईज होया करती थी, नहीं, आप स्टेट्स नहीं बता सकते हो, पोजिशन नहीं बता सकते हो। स्टेट्स का मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मैं एक टॉपर हुआ, टॉपर तो नहीं, मैं एक अच्छा बच्चा हुआ करता था, सपोज करो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई यूज टू बी अ गुड बॉय, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज नहीं करूंगा, आई वुड बी अ गुड बॉय। व्हाई, बिकॉज आपको यूज टू ही यूज करना है, कब, जब आप पोजेशन बता रहे हो, जैसे यहाँ पे हैव है, ठीक है, ये आप क्या बता रहे हो, अपना स्टेट बता रहे हो, मैं पैसा था पहले, तो वहां पे यूज टू का यूज करो, वुड का यूज मत करो। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब क्या है, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो वुड से बनते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो वुड के यूज से बनते हैं, मतलब उसमें वुड इंक्लूड होता है, और वो कौन से फ्रेजेस है, वुड यू लाइक एंड वुड यू माइंड, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन फ्रेजेस है और ये स्पीकिंग में अच्छे करने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी स्मूथ इन योर कॉन्वर्सेशन, when you are having conversation, ठीक है, ये स्मूथली यूज होते हैं बहुत, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग ये यूज करते हैं वुड के फ्रेजेस, और रिटर्न में भी यूज होंगे, जाहिर सी बात है। जैसे यहाँ ये क्यों यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, ये कुछ रट्टा मार लेना, ये आपके स्पीकिंग में भी यूज हो सकते हैं और रिटर्न में भी आएंगे, एरो के फॉर्म में आ जाएंगे, कैसे भी आएंगे, ठीक है, ये पोलाइट इन्विटेशन के रूप में यूज होगा। लाइक वी प्लीज लेट मी रीड योर नोटबुक्स, इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम मुझको अपनी नॉवेल्स पढ़ने दोगे। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे वुड आ गया ना, तो वहां पे पोलाइटनेस आ गई है, इस बात का ध्यान रखोगे, मतलब एक और तरीके हो सकते हैं, कुछ और तरीके हो सकते हैं रिक्वेस्ट करने के, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, पोलाइटली, तो उस केस में क्या यूज करोगे, वुड का यूज करोगे, वुड भी यूज होता है, वुड भी यूज होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो वुड के भी फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पोलाइटनेस आ गई, इफ यू आर यूजिंग वुड फॉर योर इन्विटेशन और रिक्वेस्ट। वुड यू Like a cup of green tea, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, क्या भाई चाय पिएगा, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन पोलाइटनेस कैसे आएगी, विद द यूज ऑफ मॉडल वर्ब वुड या उसके फ्रेज। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, ग्रीन टी, सॉरी, क्या आप, इसका मतलब क्या हो गया, क्या आप एक कप ग्रीन टी का लेना पसंद करोगे, पीना पसंद करोगे, है ना। उसके बाद वुड यू माइंड कैरिंग द बैग्स, ठीक है, वुड यू माइंड कब लगाते हैं, जब आपको एक होता है ना एक्सक्यूज मी, सुना होगा, पार्डन होता है, ऐसे ही वुड यू माइंड होता है, यानी कि अगर आपको हल्का सा किसी को ट्रबल देना है, लेकिन आप उसके लिए सेद करते हो, आप उसके लिए सॉरी हो, ठीक है, सॉरी फील करते हो, अगर आप किसी को थोड़ा सा इनकन्वीनियंस दे रहे हो, तो उस केस में किसका यूज करोगे, वुड यू माइंड का यूज वुड बी बेस्ट, है ना। वुड यू माइंड कैरिंग द बैग्स का मतलब क्या हो गया, प्लीज कैरी द बैग्स। अब सिंपल सी बात है, आप किसी को बैग्स कैरी करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा उसे कष्ट होगा, तो उस कष्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इस फ्रेज का यूज कर दो, है ना। उसके बाद है
would in case of request is more polite than softer, more polite or softer than will. ठीक है, मैंने आपको will के session में बताया था, you can also use will when you have to show your request. और मैंने आपको बताया था would भी use होता है, लेकिन दोनों में slightly there is a difference. क्या difference है भाई? जो would होता है वो भी request show करता है, will भी request show करता है, लेकिन जो would की request होती है more polite और softer. Would की जो request होती है more smooth होती है. ठीक है, इससे स्मूथ होती है विल से. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ कुछ फ्रेजेस हैं, आप वुड का यूज कर सकते हैं. यू कैन इंक्लूड वुड इन दीज फ्रेजेस. तो ये क्या होता है, वुड का जो रिक्वेस्ट यूज होता है इन रिक्वेस्ट और व्हाट इनविटेशन, तो वो स्मूथ हो जाता है और विल का थोड़ा सा फर्म हो जाता है. ठीक है, जैसे विल यू क्लोज द डोर. ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो, एक तरह का रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या भाई दरवाजा बंद करोगे. लेकिन अगर वहां पे आपने विल का यूज किया तो सिंपल सी बात है वहां पे पोलाइटनेस थोड़ी सी कम हो गई. ठीक है, हार्ड और रेजिस्टेंट रिक्वेस्ट हो गई है ना, हार्ड और रेजिस्टेंट रिक्वेस्ट हो गई है. आई होप आपको हार्ड और रेजिस्टेंट रिक्वेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना. इंस्टेड ऑफ यूजिंग विल ओवर हियर यू कुड हैव यूज्ड वुड का यूज करते तो वो ज्यादा पोलाइट होती है ना. आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिजायर. डिजायर मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना, इच्छा. तो इच्छा जब वो बढ़ चढ़ के बोल जाती है तो उसके लिए किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे. अगर वो इच्छा आपकी स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, तो आप किस तरह की, इस तरीके से स्टेटमेंट बनाते हो विश के साथ, और विश के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके बाद वुड का यूज कर दो. आई विश यू वुड बी अ मिलियनेयर, मतलब मैं बहुत ज्यादा इच्छा करता हूँ कि भाई, आशा करता हूँ कि तुम जो है मिलियनेयर बन. I wish she would get stable soon. मैं आशा करता हूं, मैं होप करता हूं, मैं विश करता हूं कि भाई वह जल्दी से सही हो जाए, है ना. तो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स के लिए किसका यूज करो, वुड का यूज करो. अब क्या है, वुड के साथ रादर आता है और वुड के साथ बेटर भी आता है. ठीक है, रादर भी आता है, बेटर भी आता है, ध्यान रखना दोनों आते हैं. नहीं, शायद बेटर नहीं आता, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूं, बट अभी के लिए ध्यान रखो वुड के साथ जब रादर आता है ना, हैड के साथ आता है बेटर शायद. हाँ, वुड के साथ जब रादर आता है तो वो प्रेफरेंस के लिए यूज होता है. प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब दो एक्शंस में से एक एक्शन को प्रायोरिटी देना, प्रेफरेंस देने के लिए किसका यूज करोगे, वुड रादर के यूज करोगे इन कंपैरिजन, है ना. जैसे ही वुड रादर डाई देन क्रॉल, इसका मतलब क्या हो गया, ही वुड रादर डाई देन क्रॉल, इसका मतलब हो गया कि भाई वो मतलब रेंगने से बेहतर है मरना पसंद करेगा, वो रेंगने से बेहतर मरना पसंद करेगा. ठीक है, आई वुड रादर हैव हॉट वाटर. I would rather have hot water. मतलब कि भाई कोई मेरे घर पे आया है, नहीं, मैं किसी के घर पे भी गया हूँ और उन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई चाय लोगे या कॉफी लोगे, मैं उस टाइम पे बोलता हूँ आप इन दोनों के बजाय क्या दे दो मेरे को, गर्म पानी दे दो. ठीक है, तो वहां पे मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ चाय या कॉफी में से और गर्म पानी में से, तो वुड रादर लगा दूंगा. आई वुड रादर हैव हॉट वाटर कि भाई मैं उसके बजाय गर्म पानी पीना पसंद करूंगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. Would is used in the principal clause while subordinate clause indicates unreal or impossible condition in the conditional clauses. देखो इतना बड़ा जो लिखा हुआ है भूल जाओ, बस इस बात को ध्यान रखो कुछ sentences होते हैं, बता चुका हूँ पहले भी, जो conditions show करते हैं, जैसे subjunctive mood वाला, है ना, moods होते हैं अलग अलग verbs के. Condition मतलब कोई condition सच है, कोई झूठ है, कोई hypothetical है तो कोई imaginary है, है ना. तो वहां पे किसका use होता है, फर्स्ट वाले क्लोज दो क्लॉज बनते हैं, पहले वाले क्लोज में इफ का यूज होगा या वेन का यूज होगा, और जो नेक्स्ट वाला क्लॉज होता है अगर वो इमेजिनरी सेंटेंस है तो वुड का यूज होता है, कुड का भी यूज हो सकता है, कुड हैव का भी यूज हो सकता है, कुड हैव का भी यूज हो सकता है. ठीक है, तो वही बता रखा है. जैसे ये क्या है, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये अनरियल है, इमेजिनरी है. जैसे इफ आई आस्क हिम ही वुड नॉट गो देयर. ठीक है, कि अगर मैंने उससे पूछा होता या बोला होता तो वो वहां ना जाता, है ना, वह वहां ना जाता. ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में मैंने पूछा नहीं तो इमेजिनरी सिचुएशन बन गई ना. तो कुछ ऐसी कंडीशन जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और ना ही करती है, तो उसको शो करने के लिए आप इफ के साथ क्या लगाते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो और कभी कभी थर्ड भी लगा देते हो. और अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे वुड आता है, यानी कि अगर ये पास्ट में है तो आगे जाके जो सेंटेंस बनता है वो वुड का बनता है, ताकि ये शो हो सके कि भाई ये जो कंडीशन है एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये रियल नहीं है, ये अनरियल कंडीशन है. नेक्स्ट, इफ आई वर अ सिंगर आई वुड सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग फॉर यू.
मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर मैं सिंगर होता तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही मीठा सुरीला गाना गाता, ठीक है, तो ना ही मैं सिंगर हूँ ना ही मैं गाना गा सकता हूँ तुम्हारे लिए, कौन सा मीठा है ना मेलोडियस। तो यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन हो रही है, अनरियल, जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो यहाँ पे वुड का यूज कर दिया सेकंड वाले क्लॉज में। और अगर ये अभी भी समझ नहीं आया तो तुम्हें क्या करना है, सब्जंक्टिव मूड या जो मैंने वर्ब्स के सेशन में लिया है मूड्स ऑफ वर्ब, वो देख लो जाके, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज इसको मैं अच्छे से और इलैबोरेट नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन अ गुड सेशन, गुड नंबर ऑफ सेशंस ऑन मूड्स ऑफ वर्ब्स, तो आप जाके वो देख लो इन द प्रीवियस सेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक दिस द लास्ट स्लाइड। Would have past participle, would के साथ have लग जाएगा और verb की third form लग जाएगी, so indicate करता है undone action in past, यानी कि एक ऐसा action show करेगा, indicate करेगा जो actually में exist करता ही नहीं है और ना ही वो past में हुआ है, happen ही नहीं हुआ है past में, ठीक है। जैसे if he had consulted me, I would have helped him, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो मुझसे पूछता या सलाह लेता तो मैं उसकी मदद कर देता या कर चुका होता, बट एक्चुअली ना ही उसने पूछा ना ही मैंने उसकी मदद करी। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इफ के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड आ जाएगा, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पहले वाले में क्या था, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वुड आया। इस वाले में क्या होगा, इफ के साथ पहले हैड लगेगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद वुड के साथ भी हैव लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे इफ के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वहां पे भी वुड के साथ हैव आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद है इफ आई हैड रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम आई वुड हैव बोर्डेड द ट्रेन। सिंपल सी बात है, अगर मैंने ट्रेन को पकड़ लिया होता, सॉरी मैं अगर स्टेशन पहुंच चुका होता टाइम पे तो मैंने ट्रेन को पकड़ लिया होता, है ना। यानी कि ना ही मैं पहुंचा टाइम पे ट्रेन पे स्टेशन पे और ना ही मैंने ट्रेन को टाइम पे पकड़ा, है ना। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही पास्ट में ना प्रेजेंट में, सो दे आर इंडिकेटेड बाय वुड। एंड विद दिस आवर सेशन ऑफ टुडे, है ना, टुडे सेशन इज कंप्लीटेड ऑफ वुड, है ना। तो आज का सेशन कंप्लीट हो गया जो कि वुड का था, एंड विल हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया मॉडल वर्ब। सो व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, वी हैव टू गो अहेड इन मॉडल वर्ब्स ओनली, एंड देखेंगे क्या करते हैं, है ना। तब तक के लिए व्हाट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड कीप ऑन स्टडिंग लर्निंग एंड टुगेदर विद दिस हैव फन टू एंड व्हाट, जो भी करना करो, मजे करो जीवन में, है ना, इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू मॉडल वर्ब इन द सेशन इन द क्लास, एंड टिल देन हैव फन, बाय बाय, टेक केयर।